जब से पीपल फार्म शुरू हुआ है तब से ये पहला अवसर था जब हमारे को फाउंडर्स यहाँ पे नहीं थे, तो सब कुछ हमने खुद ही मैनेज किया है ना रवीना. मतलब वेल बी ट्राइड टू, क्योंकि रॉबिन और शिवानी घूमने गए थे स्पीति. नहीं, मैं घूमने गया था, शिवानी घूमने गई थी. मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काम था. वहाँ से वांगचुक जी और उनके ब्रदर कालजांग जी, वो लोग कुछ महीने पहले यहाँ पे आए थे. उन्होंने बताया था कि भाई वहाँ पे इतनी हालत ख़राब हो जाती है सर्दियों में डॉग्स की, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो एक दूसरे को खाने पड़ जाते हैं. तो मैं ज़मीनी हकीकत जानना चाहता था और देखना चाहता था भाई हम इसको क्या सॉल्व कर सकते. तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए हैं, कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिला, मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था. तो देखते हैं क्या बनता है. लेकिन अब तुम मुझे काम करने दो, तुम जाओ फार्म का अपडेट दो. आज नरवाना से हमारे पास ये गाय रेस्क्यू होके आई है. इसका बड़ा बेचारी का हिला हुआ है, दूसरे इसे बड़े दो घाव है गाल के पास और एक गर्दन पे है. इस गाय को हम काफी टाइम से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. ये रहती है मेन पुल में नरवाना के, तो क्या है वहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है कि हम एनी टाइम जाके ऐसा नहीं है कि हम कैच कर लें इसको. इसका मांस भी बेचारी का नीचे गिरा हुआ है. अंदर जॉ बोन तक ये कैविटी पहुँच चुकी है और पस भी बहुत ज्यादा थी, ब्लीडिंग भी काफी हो रही है, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए हमने इंजेक्शन दे दिए. ये आपको चूचू दिख रहा है, चूचू महाराज, जिसकी आपने वीडियो भी देखी होगी. कुछ दिन पहले हमने इसको शिफ्ट किया था हमारे बैक एरिया में, जहाँ पे हमारे सारे परमानेंटली अडॉप्टेड लार्ज एनिमल्स रहते हैं. पहले तो चूचू शिफ्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर हमने क्या किया कि चूचू को एक केज में रखा ताकि अमरप्रीत अकबर एंथनी इसको देखते रहे. उसके बाद फाइनली ये घुल मिल गया था. ऑल्दो हम चूचू को ये समझते रहते हैं कि ये थोड़ा सा लड़ाकू है, लड़ता रहता है सबसे, लेकिन इसको सबने अटैक कर दिया चारों ने. अभी इसका इलाज चल रहा है. जैसे डीप घाव नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा ऊपरी स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका सिर्फ ऑइंटमेंट लग रहा है. फिर हमें चूचू को शिफ्ट करना पड़ा वापस इसके रूम में. लड़कों का शेव करने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने ग्रूमिंग भी शुरू कर दिया ना, तो अगर कोई पेट डॉग जिसको स्किन एलर्जी हो या ऐसा प्रॉब्लम आता है, या यहाँ पे आसपास कोई ग्रूमर भी नहीं है, तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है और वो उस टाइम आए, तो हम ग्रूमिंग भी कर देते हैं डॉग्स की. पीपल फार्म के सदस्य हैं जैसे कि हम और तुम, हमारी भी ग्रूमिंग हो सकती है? नहीं नहीं, यहाँ पीपल फार्म के अडॉप्टेबल्स की बस ग्रूमिंग होती है. यहाँ हमारे ऑपरेशन थिएटर में कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसे देख के आप भी चौंक जाएंगे, मैं तो वैसे ही चौंक गई हूँ. ये अंडे के छिलके हैं जिन्हें पीसा गया है. संजय जी, ये अंडे के छिलके यहाँ आए तो आए, पर अंडे कहाँ से आए फार्म पे? अंडे हमारे पास वो एक मुर्गी है ना, अमरप्रीत रेस्क्यूड मुर्गी. हाँ जी, अच्छा. उसका जो अंडा होता है ना, वो बॉइल्ड करके ना जो वीक डॉग होता है उसको दे देते हैं, और ये छिलके जो है इनको दोबारा बॉइल्ड करके फिर सुखा के बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, फिर इनका मिक्सिंग पाउडर बना के कैल्शियम के रूप में दो के खाने पाउडर मिक्स कर देते हैं. हमारे पास देहरा से एक प्यारी सी पपी आई है, सुयश जी इसको यहाँ पे लेके आए. इसको किसी डॉग ने काट दिया था मुंह के ऊपर, जिसकी वजह से इसका जबड़ा थोड़ा सा हिल गया था. सुयश जी बकायदा इसको पालमपुर लेके गए, वहाँ पे उन्होंने इसका इलाज भी करवाया. तो उन्होंने पट्टी बांध के दी कि 20 दिन तक वो पट्टी वैसी ही लगी रहेगी ताकि उसका जो जबड़ा है वो सेट हो सके. डॉक्टर हिमांशु ने इसकी पट्टी थोड़ी देर के लिए निकाली है ताकि ये पानी वानी पी सके बच्ची. और यशोदा मदर मंकी थी जिसको किसी ने गोली मारी थी, इसका बेबी भी इसी के साथ आया था. जन्माष्टमी वाले दिन ये लोग आए थे, तो हमने इसके बच्चे का नाम काना रखा था, माँ का नाम यशोदा रखा था. यशोदा पूरी तरह से ठीक है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको रिलीज करें. वो जो इनके कॉलर थे जहाँ से उन्होंने इनको पिक किया था, हम वहीं पे इनको रिलीज करेंगे. अच्छी बात है कि एक फीमेल मंकी है, इसके साथ बच्चा है, तो ये अपने चूप को खुद भी ढूंढ लेंगे और ये मिक्स भी हो जाएंगे उनके साथ वापस. लूसी वो डॉग थी, प्यारे प्यारे चार बेबीज हुए थे जिनका नाम हमने द बीटल्स रखा था. हमने बहुत वेट किया कि उसके बच्चों की तरह लूसी भी अडॉप्ट हो जाए, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आया. कैनल्स हमारे पास फुल है, बहुत सारे रेस्क्यूज जो थे होल्ड पे रखे हुए थे. तो ना चाहते हुए भी जब कोई आगे नहीं आया, तो हमें लूसी को वापस आज रिलीज करना पड़ गया. पिछले अपडेट में हम लोग बहुत परेशान थे, पूरा एनिमल एरिया टेंशन में था, पूरा का पूरा फार्म के लोग टेंशन में थे, क्योंकि पार्वो था पपीज को, 3G को और सुपंडी दोनों को पार्वो था. तो हमने दोनों को व्हाइट हाउस में शिफ्ट किया था. 3G तो पूरी तरह अब ठीक हो गया है, अडॉप्ट भी हो गया है, उसको फॉरएवर होम मिल गया है आगरा में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुपंडी जो था हमारा वो नहीं बच पाया. सुपंडी का इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे था, हमने 2 दिन उसकी ट्रीटमेंट भी की, लेकिन उसका सीवियर था इसलिए वो बच नहीं पाया, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है. रवीना है अंगूरी की फॉस्टर मॉम. हम आज सारे बहुत खुश इसलिए हैं क्योंकि ये बच्ची आज अडॉप्ट हो गई है और ये जा रही है सिद्धवाड़ी, मुस्कान जी के पास जा रही है. विभा जो है वो रवीना की फ्रेंड है,
विभा जी की जो फ्रेंड है उन्होंने अंगूरी को अडॉप्ट करने का फैसला लिया है। ये दिखने में तो बहुत क्यूट है पर बहुत शैतान भी है। तो ऑल द बेस्ट मुस्कान जी। मेरे साथ अभी मन्नत जी हैं और उनके दोस्त अक्षित जी हैं। भडवार से ये इस बछिया को लेके आए हैं। इसका रात को एक्सीडेंट हुआ था तो इसकी पिछली टांगे काम नहीं कर रही थी और काफी ज्यादा ब्लोटिंग थी इसकी। डॉक्टर की हेल्प से इसके स्टमक में पंक्चर वगैरह करके जो इसकी एक्सेसिव ब्लोटिंग थी वो निकाल दी थी, जिसके बाद थोड़ी एक्टिव तो हुई है, लेकिन हमारे पास वहाँ कोई शेल्टर नहीं था इसलिए हमें फाइनली इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यहीं लाना पड़ा। मेरे साथ है डॉक्टर एचसी, मतलब डॉक्टर हिमांशु चावला। साथ ही में हमारे साथ है बेब, आप जानते हैं रानीताल से हमारे पास आया था। इसको एक तो बहुत बड़ा मैगेट वुंड था गर्दन के ऊपर, दूसरा इसकी स्किन कंडीशन थी और तीसरा इसको ट्यूमर भी हुआ था टांग के ऊपर। मैगेट वुंड इसका एकदम ठीक हो गया, स्किन कंडीशन भी बेहतर हो रही है। ट्यूमर के लिए हमने कीमोथेरेपी शुरू की थी इसकी और इसका ट्यूमर बिल्कुल ही कम हो चुका है। बहुत जल्दी ये जहाँ से आया था वहीं पर वापस चला जाएगा। ये वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। गुड बॉय बेब। यहाँ बेटी जी के दोस्त उसके लिए कुछ लेकर आए। बेटी जी के लिए नहीं है, गुड हमें किसी ने डोनेट किया तो मैं खिला रहा हूँ। बेटी जी तुम्हारे लिए नहीं है। ओ नो बेटी जी, नो बाबा नो नो, बदतमीज हो गई, सारी हदें पार कर रही हो तुम, बहुत बदतमीज हो गई है। कबूतर हमारे पास कांगड़ा से आया था, जब ये यहाँ पे आया था तो इसका एक्सीडेंट हुआ था। इसकी पिछली टाइम फ्रैक्चर थी इसलिए उसके में पीलिंग हुई थी, सूचर्स हील हो गए, सूचर निकाल दिए और अभी पूरी तरह से ठीक है और रिलीज होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये तो आज कबूतर फाइनली रिलीज हो रहा है, बाय। साथ ही तैमूर लंग भी रिलीज हो रहा है। तैमूर लंग हमारे पास टांडा से आया था, इस बेचारे को भी किसी गाड़ी ने मारा था तो इस वजह से हमें इसकी जो पिछली एक टांग थी वो एम्पिटेट करनी पड़ी थी। इसके सूचर्स बिल्कुल ठीक हो गए थे तो हमने सूचर्स रिमूव कर दिए हैं और अब ये इसके जो बाकी वुंड्स थे शरीर पे वो भी ठीक हो चुके हैं, अब ये रिलीज होने के लायक है। हमारे इतने सारे एनिमल्स यहाँ पे आते हैं और ठीक होके रिलीज भी हो जाते हैं। इतनी सारी सक्सेसफुल रिलीजेस का राज हमारे डॉक्टर हिमांशु है और डॉक्टर गुलशन है और साथ में हमारी पूरी एनिमल टीम भी। टवन डो करके हमारे पास दो पपीज रेस्क्यू होके आए थे धर्मकोट से, जिनको कुछ एक्सट्रीमली क्रूअल रोग बोरी में बंद करके फेंकने को जा रहे थे। वो बेचारे छोटे छोटे एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के बच्चे थे। गुड न्यूज़ ये है कि वो अडॉप्ट हुए हैं। रोहित गुज्जर जी हैं, फरीदाबाद के पास वो रहते हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो लोग अपने घर पहुँच गए सही सलामत। वो पपीज का जो इनिशियल बिहेवियर था जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बट अभी जो फॉस्टरर्स के साथ रह के एंड फिर रोहित जी के पास हैं तो वो बहुत ज़्यादा अलग है, अभी बहुत खुश हैं, बहुत प्लेफुल हैं। ज्वाला हमारे पास एक पपी थी जो कि बहुत फेमस भी थी, उसकी तीन टांगे थी, हम उसे थ्री व्हीलर भी बोलते थे। उसका किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और इसीलिए बेचारी की हमें एक टांग की एम्पूटेशन करनी पड़ी थी। बहुत टाइम से वो हमारे पास थी, फाइनली वो दिन आ ही गया जब वो अडॉप्ट हो गई। उसके अडॉप्टर जो जिनसे हम एक महीने से जुड़े हुए थे वो बैकआउट कर गए थे, लेकिन वहाँ दिल्ली पहुँचने के तीन दिन बाद ही उसके लिए फिर से अडॉप्शन के लिए कॉल आई। ऋतिक जी जो कि हरदोई में रहते हैं उन्होंने उसे अडॉप्ट किया, वो अभी बहुत खुश है। जो उसके अडॉप्टर है वो भी बहुत खुश है। ज्योति आज तुम्हारी लिस्ट में क्या क्या है, क्योंकि लोग कम है और शायद काम ज़्यादा है ना? हाँ, आज हमारा डीप क्लीनिंग है एक्चुअली, क्लिनिक और रोटी का, क्योंकि हमें हमारे यहाँ पे पारवा है तो लगभग रोज़ हमको डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही है। उसके अलावा ट्रीट ऑन स्ट्रीट है काफ़ी सारे, तो एक टीम तो ऑलरेडी निकल चुकी है, अब दूसरे टीम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उनका बैग, क्योंकि वो बाकी के काम निपटा रहे हैं। तो हमारे ट्रीट ऑन स्ट्रीट के बैग में क्या है आप दिखाओगे ज़रा? जो बेसिक नीड का सामान होता है जैसे कि गॉज है, कॉटन है, लॉरिक्स ये ऑइंटमेंट है और उसके अलावा इंजेक्शंस, ये सिर्फ हम लोग इमरजेंसी के टाइम में यूज़ करते हैं ये वाला बैग, जब हमारी एक टीम ऑलरेडी होती है और उसके बाद अगर हमें अचानक कोई कॉल आता है कि यहाँ पे कोई एनिमल है तो हम अलग से एक जिनको और भेज देते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे ट्रीट ऑन स्ट्रीट के बैग की हालत एकदम तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत यूज होता रहता है, बहुत यूज होता है अभी तो। मैंने आपको वो छोटी सी जो प्यारी सी पपी थी हमारे पास अंगूरी, उसके बारे में आपको एक अपडेट दिया था कि वो अडॉप्ट हो गई थी मुस्कान जी के घर पे, यहाँ धर्मशाला में ही वो अडॉप्ट हुई थी। कल रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सभी का स्पेशली रवीना का थोड़ा सा मूड डाउन है। कल मुझे कॉल आई जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया था, मुस्कान जी का कॉल आया था कि वो अंगूरी को नहीं रख पाएंगे क्योंकि उनके लैंडलॉर्ड उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कुत्ता रहेगा तो आप लोग भी नहीं रहोगे। तो रात को 9 बजे वो लोग वहाँ से निकले सिद्धवाड़ी से, जो यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर है, और रात को ठंड में बेचारी को यहाँ फिर लेके आए और अभी फिर से ये घर ढूंढ रही है। इस इंसिडेंट से हम अपसेट तो बहुत हुए, लेकिन आप इसको देख रहे हैं इस दानव को, आओ इस डेविल को, पर ये क्यूट सी डेविल है और हमें पता है कि ये बहुत जल्दी आओ एडॉप्ट हो ही जाएगी।
तो अगर आप अंगूरी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसे फिर से एक परिवार और घर देना चाहते हैं, तो हमारी अडॉप्शन लाइन पे कॉल कीजिए। बाय अंगूरी। अंगूरी यहाँ पे रॉबिन ने स्टेप करने से मना किया, चलो।